गुड आफ्टरनून फ्रॉम वाइजैग। आज हम करने वाले हैं हमारा नया कार का रिव्यू, पूरा डिटेल में करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ विथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए व्लॉग में चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लुक्स आप देख सकते हैं, मुझे सबसे पसंद जो आया है वो है इसका ग्रिल और प्रोजेक्टर लैंप्स, और इसका जो डे लाइट रनिंग लैंप्स हैं ये वाले, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। तो और देखिए, और इसका जो अलॉय व्हील्स है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, ड्यूल टोन है ब्लैक और सिल्वर के साथ, मुझे बहुत पसंद है ये भी। और इधर पे जो अभी सिग्नल लाइट दिया है मिरर में, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और इधर में एक लाइट है, ये जो लाइट है ये रात में अंधेरे में अगर हम कहीं पार्क किया गाड़ी को तो अगर अनलॉक करेंगे तो यहाँ से ये लाइट चलेगा, तो यहाँ से ये लाइट चलेगा और पूरा यहाँ पे सब दिखाई देगा, हमारा हैंडल भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा इधर क्या है। और पीछे आएंगे तो अभी ये जो डेंजर लाइट दिया है ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंड किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और पूरा क्रोम फिनिश दिया है यहाँ से लेके वहाँ तक, पूरा पीछे पूरा क्रोम फिनिश दिया है, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये है पूरा एक्सटीरियर का लुक, पूरा आगे से लेके पीछे तक पूरा क्रोम फिनिशिंग दिया है। और ये है गाड़ी का लुक, और ये आस्था ऑप्शन टॉप एंड मॉडल है, DCT है और पूरा ऑटो ट्रांसमिशन है, इसमें मैनुअल नहीं है, ये टॉप एंड मॉडल है और इसीलिए ऊपर सनरूफ भी दिया है। तो चलिए अभी चलते हैं, इंटीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इंटीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी इंटीरियर देखते हैं। सो ये है गाइस इंटीरियर का लुक। अभी मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा ऑन करके रखा, पर अभी ये क्लस्टर हमने ऑन नहीं किया है, ये अभी ऑन करके दिखाऊंगा मैं। पहले आप इंटीरियर देख लीजिए, यहाँ पे हमको पूरा AC का कंट्रोल्स दिया है, ये सब। यहाँ पे दो USB पोर्ट दिया है, एक USB पोर्ट पेनड्राइव लगा के हम लोग वीडियो देख सकते हैं इसमें, और वो भी सिर्फ पार्किंग में ही चलेगा। और ये वाला जो है चार्जिंग के लिए दिया। और इस कार में मुझे सबसे अच्छा लगा ये वाला जो है, ये है वायरलेस चार्जिंग के लिए, जो भी फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे रख के आप चार्जिंग कर सकते हैं। ये है हमारा क्लस्टर, और ये है इंजन का RPM के इंडिकेटर, और ये है हमारा स्पीड का इंडिकेटर। इसके अलावा इसमें इधर भी आता है स्पीड और RPM का इंडिकेशन। तो ये पूरा डिजिटल और एनालॉग कंट्रोल का पूरा दिखाया है, पर एनालॉग भी इधर डिजिटल है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमको बीच में आएगा फ्यूल कंजम्पशन कितना है वो भी आएगा, और यहाँ पे आएगा अब और कितना किलोमीटर हम जा सकते हैं, हमारा जो टैंक में जो फ्यूल बचा है उसमें और कितना दूर जा सकते हैं वो भी दिया है। और ये है हमारा एंटरटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे बहुत सारा कंट्रोल्स दिया है, आप देख सकते हो, सेटअप, होम, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप, इसमें सब कुछ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। इसमें मुझे ये वाला चीज एक अच्छा पसंद आया, ये यहाँ से लेके अब देखिए ये डोर से पूरा कनेक्टेड है, यहाँ तक ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक वो लोग अच्छे से कनेक्ट किया, उस तरफ भी है वो देखिए, वहां से लेके ये पूरा यहाँ तक। और इंटीरियर का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लासी लगा, बहुत प्रीमियम लुक है। और यहाँ पे मुझे जो पसंद आया ये है कंट्रोल रॉड, इसमें ये बहुत स्मूथ दिया, बहुत अच्छा लगता है पकड़ने में। पर ये जो कवर दिया ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ये प्रीमियम लुक नहीं दे रहा है। अगर ये पूरा ये लोग फ्लैटली जैसे हाई एंड मॉडल्स हाई एंड कार्स में आते हैं ऐसा फ्लैट करके इसको सिर्फ आगे पीछे करने वाला जैसा देता तो कंट्रोल बहुत अच्छा होता था, पर ठीक अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी ये Hyundai वाला ऐसे ही दे रहा है। और मुझे ये जो इल्यूमिनेशन दिया है ये पुराना i20 में नॉर्मली साबी विंडो का ये इसमें भी था, लेकिन ये कार में अभी ये मॉडल में अभी ये लोग नहीं दिया, जो आगे पीछे जो भी विंडो का कंट्रोल है उसमें इल्यूमिनेशन नहीं है, तो रात में बहुत तकलीफ हो रहा है। और इधर भी सिर्फ ये वाला छोड़ के बाकी सब में इंडिकेशन नहीं है, तो रात में अंधेरे में ढूंढना पड़ता है अगर कुछ कंट्रोल करना चाहते हो तो इधर इंडिकेशन के लिए वो ऐसा इल्यूमिनेशन भी देता तो रात में ऑपरेट करने में बहुत आसान होता। तो ये मुझे एक चीज जो पसंद नहीं आया ये कार में।
और ये भी है विंडोज के लिए, क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए। ये देखिए अभी मैं क्लोज करता हूँ, ये देखिए क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों के लिए ये यहाँ से एंगल सेट कर सकते हैं, मिरर का एंगल, हमको जो एंगल चाहिए वो एंगल सेट हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे देखिए आप, ये इधर पे जो व्यू ऑप्शन है, ये मैं ड्राइव करते वक्त आपको दिखाऊंगा ये क्या चीज है, ये क्यों, ये क्या काम करता है। ये भी एक फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया ये कार में। और ये है हमारा हेडलाइट्स का एंगल कंट्रोलर, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर पे जो है ये वाला है क्रूज कंट्रोल, अगर हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं तभी हमको ये प्रेस करेंगे और स्पीड होना चाहिए 60 किलोमीटर के ऊपर, तभी ये एक्टिवेट होगा क्रूज कंट्रोल। तो उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं एक एक करके, 1 2 3 4 ऐसा करके प्लस और, अगर कम करना होगा तो माइनस भी दिया है, कम भी कर सकते हैं। और ये है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया या हमको सडनली गाड़ी ये करना है क्रूज कंट्रोल से हमको वापस कंट्रोल लेना है, तो अगर ये दबा देंगे तो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल चला जाएगा। और अगर हम लोग ब्रेक भी दबाएंगे तो भी क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। मीडिया का कंट्रोल्स यहाँ पे है, फोन कॉल एक्सेप्टिंग और ये, और मीडिया वॉल्यूम के लिए है। और ये मोड भी चेंज कर सकते हैं, हम लोग गाना चेंज करना है, सब कुछ करना है तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये है एयर ऑक्सीजन बूस्टर एयर प्योरीफायर, जो टॉप एंड मॉडल में ह्यूंडई कार के साथ ही दे रहा है, हम लोग अलग से खरीदने का जरूरत नहीं है एयर प्योरीफायर। तो ये इनबिल्ट है, जैसे हम लोग कार स्टार्ट करते हैं ये भी स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन का बूस्ट करता है। यहाँ पे ये हैंड रेस्ट है ड्राइवर के लिए और इसमें स्पेस भी है कुछ सामान रखने के लिए। ये देखिए, ये भी नॉर्मली देते हैं, पुराना i20 में भी था और इसमें भी है। तो ये है इंटीरियर आगे का। तो अभी हम देखते हैं सनरूफ कैसा चलता है। ये है, अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये इसके साथ कवर भी चला जाता है और उधर तक रुकता है, पर और भी पीछे जाता है। अभी देखिए और भी पीछे जाता है थोड़ा सा। और अभी क्लोज करेंगे तो सिर्फ सनरूफ ही क्लोज होगा, उसका कवर क्लोज नहीं होगा। तो इसको हम लोग मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। और बस ये है आगे का इंटीरियर। तो अभी पीछे का इंटीरियर दिखाऊंगा, चलो पीछे चलते हैं। तो ये है पीछे का इंटीरियर। अब देखिए वहां पे एक होल्डर दिया है और यहाँ पे पार्किंग लाइट भी दिया है, पीछे लोग जो बैठते हैं उन लोग यूज करने के लिए पार्किंग के टाइम पे। ये स्पेसियस भी लगा मुझे, मैं बैठ के दिखाता हूँ। मेरा हाइट है 5'11" और अब देखिए नी गैप बहुत है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, आराम से हम लोग बैठ सकते हैं ऐसा बहुत फ्रीली। और ये पूरा पीछे का इंटीरियर। और ये हेडरेस्ट ऊपर नीचे भी होता है तो वो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पीछे जो लंबे वाले होते हैं उनके लिए हेडरेस्ट भी काम आएगा। तो चलिए अभी बूट स्पेस देखते हैं। तो ये आ गया हमारा बूट स्पेस और ये देखिए वूफर। तो अभी म्यूजिक सिस्टम में हमको अलग सा वूफर रखने का जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट वूफर हुंडई ने दे दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट भी दिया है रात में अंधेरे में, इधर इधर जो हम सामान रखते हैं वो दिखने के लिए। चलिए अभी म्यूजिक सुना के दिखाता हूँ। म्यूजिक जो सुन रहे हैं हम लोग, इसका जो क्वालिटी है सुनने वाला, ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये बोस का स्पीकर्स है और जबरदस्त है। चलते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है। So let's start the ride. तो राइडिंग में तो मुझे बहुत ही स्मूथ लग रहा है, इसका जो गियर शिफ्टिंग जो है एकदम स्मूथ है। अभी आप देखा आवाज आया ना, वो है डोर लॉक सिस्टम, डोर लॉक हो गया अभी हमारा।
जो मुझे ड्राइव करते हुए जो बहुत अच्छा लग रहा है वो है इसका गियर ट्रांसमिशन, और इतना स्मूथली होता है ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि गियर कब चेंज हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें इधर गियर ट्रांसमिशन का जो इंडिकेशन है वो भी आता है, अभी हम लोग फिफ्थ गियर में है तो ये वाला फीचर भी दिया है Hyundai ने, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला फीचर भी। और अभी आ रहा है हमारा एवरेज फ्यूल कंजम्पशन 8.9 किलोमीटर के लिए 1 लीटर। मैं आपको बोला था एक चीज दिखाऊंगा करके ड्राइविंग में, और ये है वो, अभी मैं दबाया और ये देखिए हमको रियल टाइम रनिंग में पीछे में पूरा रेयर कैम काम करता है और पीछे कौन आ रहा है सब पता चलता है क्लियरली। तो ये एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा राइडिंग के टाइम, हमको ये बहुत काम आएगा, बार बार हमको वो वाला मिरर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग यहाँ से ही देख सकते हैं कि लेफ्ट से कोई आ रहा है कि नहीं। तो ड्राइविंग करते वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट ड्राइव भी लिया था मैंने, तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि ऑटोमेटिक लेना है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ लग रहा मुझे ड्राइविंग में, और टेस्ट ड्राइव में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि ऑटोमेटिक में लेता हूं करके, इसीलिए ऑटोमेटिक लिया। तो क्योंकि अभी हमारा लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म बहुत फ्री रहते हैं, तो इतना स्ट्रेस नहीं होगा बॉडी के ऊपर भी, इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, और हाईवे पे तो इसका क्रूज कंट्रोल भी है, तो तभी हम लोग राइट लेग भी हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलेरेटर के ऊपर से, तो तभी भी बॉडी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो हाईवे पे भी बहुत स्मूथली जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन वी स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। Amazing, isn't it? So this is what I was saying about the illumination. As you can see here, you can see all the switches are illuminated very well. But see here, there is only one indication which is only illuminated. The rest all switches are not illuminated. So during night, this would be a big problem for searching the proper switch. So this is only drawback which I feel in this car. But rest all are very amazing. तो ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो चीज़ अच्छा नहीं लगा वो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा वो भी लिखिए। तो चलिए आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय।